टेस्ट किचन में आप सबको करती हूँ वेलकम। और कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद करती हूँ रब्बे जो जलाल से कि आप लोग जहाँ पर भी हों अल्लाह पाक की हिफ्ज़ो अमान में हों। और हमेशा की तरह रेसिपी का आगाज़ करने से पहले एक प्यारी सी बात कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और हर मुसलमान को जो है एक दिन में 313 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना बहुत ज़रूरी है और सबको लाखों दफ़ा करोड़ों दफ़ा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाएं, क्योंकि दुरूद पाक खुद अल्लाह के हुजूर एक दुआ है। तो अल्लाह पाक हमें दुरूद पाक अवैध करने की तौफीक अता फरमाएं, आमीन या रब्बल आलमीन। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई, ये भी बड़ी यूनिक सी है, बड़ी टेस्टी और डिलीशियस सी है और ये भी बहुत ही कम अज्जा से और झटक रहेगी। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि आज हम बनाएँ स्पेटीज विद चिकन। और ये इतनी लजीज नहीं टेस्टी होती, इसमें वेजीज भी हैं, इसमें सॉसेस भी हैं और ये टेस्ट वाइज भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसमें हमने क्या क्या अज्जा शामिल किए हैं। व्यूअर्स, ये मेरे पास है चिकन, इसकी मैंने इस तरीके से एक क्यूब्स में मैंने बोटियाँ करवा ली थी और इसको मैंने मैरिनेट किया है ओवरनाइट के लिए। इसमें मैंने मिलाया है सिरका, मिलाया है 2 से 3 ड्रॉप मिलाया है मैंने। इसके साथ मैंने इसमें सोया सॉस एक स्पून मिलाया है। इस तरीके से मैंने चिली सॉस मिलाया है इसके अंदर, वो भी एक टी स्पून ही मिलाया है, शामिल किया है इसके अंदर हमने। और सबसे जो मेन चीज़ इसमें है टिक्का मसाला, वो हमने इसमें 2 चम्मच ऐड किया है। साथ ही थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च डाली है, थोड़ी सी पिसी मिर्च डाली है, थोड़ी सी कुटी मिर्च डाली है और 1 चम्मच हमने इसमें चीनी का भी डाला है। और ये सारी सॉसेज और ये सारे इंग्रेडिएंट्स के बाद हम जब अपनी वेजेस को फ्राई करेंगे, इसके बाद हमने कुछ इसमें वेजेस का भी इस्तेमाल किया है। मेरे पास ये जूनियन कटिंग में शिमला मिर्च, साथ ही मैंने लिया है स्प्रिंग अनियन जिसे हरा प्याज भी कहा जाता है, थोड़ी सी मेरे पास ये गाजर, इसको भी मैंने जूलियन में किया है, टोमेटोज हैं इसको भी मैंने जूलियन में कटिंग किया है, और साथ ही मेरे पास ये कैबेज, इसको भी मैंने इस तरीके से कट करके रख लिया है। और हमारे पास स्पेगेटीज हैं जिसको हमने पहले से बॉयल करके रख लिया है। और लास्ट में हम इसमें केचप का भी इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद फिर आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। लिया है एक सॉस पैन और इसमें मैंने डाल दिया है और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमने इसमें 2 टेबल जो है वो ऑयल के भी डाले थे ताकि हमारी चिकन जो है वो भी तेज रहे। और सारे मसाले डालने के बाद हमने इसमें काली मिर्च का इजाफा भी किया है, चीनी का इजाफा भी किया है और जैसे कि मैंने आपको बताया है सोया सॉस डाला है और हमने इसमें चिली सॉस डाला है और इसमें सिरका भी थोड़ा सा डाला है, लेमन जूस भी इसमें थोड़ा सा, ताकि हमारे पास जो हमारी चिकन का जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाए। तो तरीके से हम थोड़ी सी देर से अपनी चिकन को करेंगे सॉटे और जैसे ही हमारी चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और ये थोड़ी सी अपने ही पानी में टेंडर हो जाएगी तो फिर हम इसको एक साइड पर कर देंगे और इसमें सारी हम वेजिस का भी इस्तेमाल करेंगे और इसी चिकन के साथ हम वेजिस को भी फ्राई कर लेंगे। आपने देखा कि हमारी चिकन जो है वो बिल्कुल गल चुकी है, टेंडर भी हो चुकी है। मैंने इसमें थोड़ा सा केचप भी डाला था, 1 टेबल स्पून मैंने केचप डाला है, बाकी हम बाद में डालेंगे। और इस तरीके से अब हमारी चिकन बिल्कुल टेंडर हो गई, फ्राई भी हो चुकी और अब हम इसमें साइड डाल देंगे वेजेस। ये मेरे पास है शिमला मिर्च, बाकी हमारे पास है टमाटोस। तो जूलियन कटिंग में आप अगर जो भी कटिंग करेंगे वो जूलियन, अगर आप क्यूब्स में करना चाहते हैं तो कटिंग करना चाहते हैं तो छोटी करें और अगर आप जूलियन कटिंग करना चाहते हैं तो सारी वेजेस को आपने इसी तरीके से कट करना है। तो थोड़ा सा मैं करूँगी इन वेजेस के साथ लाइट सा सॉटे ताकि हमारी वेजेस का कलर भी ख़राब ना हो और उनका क्रंच भी बरकरार रहे। और आप अपने हिसाब से वैसे इसमें नमक का एडिशन कर सकते हैं, थोड़ी सी चीनी का इजाफा कर सकते हैं ताकि हमारा जो टेस्ट है बिल्कुल बैलेंस रहे। और साथ ही मैं इसमें डालूँ मेरे पास कैबेज, आप अपनी डिश के अकॉर्डिंग डालिएगा, कैबेज भी बहुत अच्छी रहती है हेल्थ पॉइंट और यूज भी बहुत अच्छी है और इससे आपका वेट भी लूज़ होता है और आपकी हेल्थ पॉइंट से बहुत अच्छी होती है कैबेज। आप जितनी आपकी स्पेगेटी तो उसी के अकॉर्डिंग आप वेजिस का इजाफा कीजिएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं कर दीजिएगा ताकि फिर वो आपके खाने में टेस्टी और मज़ेदार लगे। और इसके साथ ही मैं डालूँगी फिर थोड़ा सा मेरे पास स्प्रिंग अनियन और थोड़ा सा हम गार्निश रख के डालेंगे, हरी मिर्च का इजाफा कर सकते हैं और लोकल बारीक से बिल्कुल, लेकिन इट इज़ ऑल अप टू यू, चाहे तो आप डाल सकते हैं क्योंकि बच्चे खाते हैं तो फिर आप ग्रीन चिलीज को अवॉइड कीजिएगा, उसकी जगह आप
हाँ, देसी टाइप के मेरी हमेशा क्या जैसे मैं बताती हूँ आप इसमें थोड़ी सी पीसी मिर्च और थोड़ी सी छोटे मिर्च डाल सकते हैं। इस तरीके से बस मैं अपनी अपनी डिश को करूँगी, प्रेजेंटेशन करूँगी और फिर मैं आपको अच्छी प्रेजेंटेशन करके दिखाती हूँ। देखा, हमने आपके लिए बनाई है स्पेगेटीज विद चिकन एंड सॉसेस, और इसमें हमने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है केचप का किया है, ताकि आपको खाने में भी इतना टेस्टी, लजीज और डिलीशियस लगे। तो व्यूअर्स, आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और व्यूअर्स, अपना रखिएगा ढेरों ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।